दोस्तों, आई हमारे सी टेक्निशियन में फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज जो हमारा वीडियो है चीनर से रिलेटेड है, चीनर का डिस्प्ले कैसे चेक करते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में बताने वाले हैं। ये हमारा कैरियर का चीनर है, नंबर वन है। यहाँ पर दो चीनर लगा हुआ है, कैरियर का 31 से चीनर है। इसको डिस्प्ले कैसे ऑपरेट करते हैं, जो भी पैरामीटर से उसको कैसे लिया जाता है, वो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर आप डिस्प्ले कैसे उसके बारे में बताइए। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं, बताने वाले हैं। और धूप तो ज़्यादा है इसलिए पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, तो आइए हमारे साथ अभी आप। चलो करें, स्टार्ट है। ओके, तो ये देखिए हमारा अभी यहाँ पर डिस्प्ले है। इस पहले देख लीजिए मॉडल नंबर वगैरह इसका, देख लीजिए 30XA लिखा हुआ है ना, जितना भी कौन सा गैस इसमें डाला हुआ है, R134A, इस तरह से सभी इसमें गैस जो भी डाला हुआ है उस गैस का यहाँ पर नाम लिखा, कितना KG, पूरा डिटेल्स रहता है इसमें। तो अभी हम डिस्प्ले, ये हमारा ऑन ऑफ बटन है और दूसरा इधर अलार्म आएगा तो अलार्म दिखाएगा। अभी हम देखिए आपको डिस्प्ले के बारे में बताएंगे, ओवरऑल पूरा स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपना कूलर का एंट्री टेम्परेचर जो है 9.8 है। ये हमारा देखिए कूलर का जो एंट्रिंग है, एंट्रिंग वाटर टेम्परेचर 9.8 दिखा रहा है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 9.8 है। फिर ये जो है लिविंग है 7.0 है। फिर रनिंग जो है इसका स्टेटस जो है रनिंग दिखा रहा है। फिर रनिंग जो है रिमोट में है, लोकल मोड और रिमोट मोड दोनों में आप चला सकते हैं। तो हम BMS से कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए इसको रिमोट मोड में रखे हैं चलाने के लिए। उसके बाद टोटल करंट कितना ले रहा है वो भी शो कर रहा है। एम्बिएंट आउटसाइड टेम्परेचर कितना वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। कैपेसिटी कितना रोड में 40%। अभी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा मेन्यू का चिन्ह है, ये हम मेन्यू में गए। अभी मेन्यू में हम जाने के बाद स्टेटस में हम देख सकते हैं, स्टेटस में सर्किट ए, क्योंकि इसमें ये चीनर में दो सर्किट है, सर्किट ए और सर्किट बी। तो सर्किट ए का हम पैरामीटर चेक करेंगे तो सर्किट ए पे हमको क्लिक करना होगा। ये देखिए आपको देख पा रहे होंगे तो दिखा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी 40% है। डिस्चार्ज प्रेशर आपको 971 है। फिर सक्शन प्रेशर है, अब नीचे इसको स्क्रॉल करने के लिए देखिए नीचे का बटन दबाएंगे तो वो नीचे आएगा इस तरह से। आप हर मोटर करंट कितना ले रहा है, 135.9 एम्स ले रहा है। इस तरह से आप ऑल चेक कर सकते हैं एक एक करके। अभी हम इसके पीछे बैक जाएंगे, अब हम सर्किट बी देखेंगे। इस चीनर में दो सर्किट लगा है, सर्किट ए और सर्किट बी। सर्किट बी पे क्लिक करेंगे सर्किट बी का भी पैरामीटर भी हाईलाइट हमारे सामने आ गया। देखिए ये भी 45% रनिंग में है। डिस्चार्ज प्रेशर इसका इसको आपको 1203 दिखा रहा है। फिर 246 इसका सक्शन दिखा रहा है इस तरह से। ऑल पैरामीटर इसमें दिखाता शो करता है। सेम इसी तरह से आपको BMS में भी दिखाएगा। ये BMS से कंट्रोल इसको किया जा रहा है, तो BMS में भी आप पैरामीटर चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अभी हम बैक आ गए पूरा। अब बैक आने पर देखिए अभी यहाँ पर अलार्म का, देखिए अलार्म में आप क्लिक करेंगे तो जो भी हिस्ट्री अलार्म रहेगा वो आप देख सकते हैं। देखिए अलार्म में आए हम, ये हिस्ट्री अलार्म पे क्लिक किए, अलार्म हिस्ट्री पे क्लिक किए, ये हमारा अलार्म हिस्ट्री जो है ये है। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा अभी ये चल रहा था, खुलने में टाइम लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं जब बाय डेट इसमें पूरा सेट किया हुआ है। क्या देखा, कंप्रेसर भी लो करेंट अलार्म दिखा रहा है ना अपना अपना 16/7/2021 16 तारीख का डेट में। फिर उसके बाद दूसरा भी 14 का डेट में है। इस तरह से जो भी है वन बाय वन आप देख सकते हैं। टोटल अलार्म की संख्या जो है 16 अलार्म है, ठीक है। तो आप फिर अभी इसको बैक आ जाएंगे, करंट अलार्म देखेंगे। करंट अलार्म करंट है ना, करंट अलार्म में हमारा कुछ है कि नहीं। तो करंट अलार्म अभी तो हमारा कुछ नहीं दिखा रहा, क्यों वो रहेगा तो शो करेगा इधर में। अगर अलार्म हमारा रहेगा तो ये वाला पोजीशन में रेड लाइट हमारा ब्लिंक करेगा, कंटिन्यूसली ब्लिंक होते रहेगा इसमें रेड लाइट। तो हमारा समझिए अलार्म है सिस्टम में, बाकी ऑन ऑफ का इधर दिया हुआ। अभी बैक आ गए हम। अब हमको मान लीजिए सुपर हीट देखना है इसमें हमारा सक्शन डिस्चार्ज, तो सुपर हीट के लिए मेंट में जाएंगे। अब उसके बाद हम आएंगे कि XB। अब देखिए अभी सुपर हीट हमारा इसमें शो होगा,
देखिए इसमें डिस्चार्ज सुपर हीट हमारा 18.60 सेंटीग्रेड, फिर सक्शन सुपर हीट हमारा 6.6 है। उसके बाद और नीचे इसमें हम करेंगे तो दिखाएगा ए का बी का सबका हिस्से में आपको शो करेगा। इस तरह से आप स्क्रॉल करके आप नीचे आते रह देख सकते हैं। सर्किट बी का देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। अभी हम इसको बैक आ जाएंगे, ये बैक का एरो का निशान है, उसमें क्लिक करेंगे। एक चीज होता है कभी कभी हम लोग इसको ऑपरेट करने में बहुत डरते हैं, अगर मान लीजिए हमने अंदर चले गए हमको बैक आने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप सामने में देख सकते हैं ये होम का निशान है, ठीक है ना। ये तो हमारा बैक का है तो हम बैक का आ जाएंगे। मान लीजिए बैक पर क्लिक करेंगे तो ये हम बैक पोजिशन में आ जाएंगे, ठीक है, ये बैक में हम आ गए। लेकिन अगर नहीं कुछ ऑप्शन आ रहा तो सीधा ये होम का जो है होम पे क्लिक करेंगे, सीधा आप जो है स्क्रीन का होम पेज में आ जाएंगे। इस हिसाब से आपका जो है सिस्टम मिलेगा। इस तरह से आप डिस्प्ले का ऑपरेट कर सकते हैं। और बाकी किसी दिन हम चीलर का फुल ओवरव्यू, हम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में मैसेज कीजिए जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। ये देखिए इसके अंदर डिस्प्ले पीसीबी बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड के जरिए सब कंट्रोल होता है। आज का हमारा वीडियो यही था।